डाइटिशियन गरिमा, वेलकम टू माय चैनल किचन साइट। शुरू करने से पहले आई वुड आस्क यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि द थिंग इज़ कि आई विल बी शेयरिंग सो मेनी लॉजिक्स एंड ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर वेट लॉस, वेट गेन एंड वेरियस थेरेप्यूटिक डाइट्स। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रखता है, क्योंकि द थिंग इज़ कि जो वेट लॉस है, वेट लॉस आता है पेशेंस से और मोटिवेशन से, और वेट लॉस नहीं आता है जब आपका मोटिवेशन लूज़ हो जाता है। तो आपका मोटिवेशन क्यों लूज़ होता है? इसलिए लूज़ होता है क्योंकि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हो। आप गलत क्या कर रहे हो? तो अगर आपको आपकी मिस्टेक्स पता लग जाएं तो आपकी जो वेट लॉस जर्नी है उसके लिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो द थिंग इज की विल बी स्टार्टिंग विद अ एग्जाम्पल, जहाँ पे मैं कोट करने वाली हूँ कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे रैंडमली भी मेरे इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं वो लोग जो मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं एक्चुअल वेट हमारा कैसे पता लगे, हमारी बॉडी का एक्चुअल वेट हमें कैसे पता लगे। तो एक्चुअल वेट पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको 8 घंटे की नींद ज़रूर से ज़रूर लेनी होती है। क्यों? 8 घंटे की नींद जब आप लेते हो तो बॉडी रिपेयर हो जाती है, आपका जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है नेक्स्ट डे। ठीक है, तो अब हम अपना एक्चुअल वेट देखें कैसे, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों की मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि मेरे क्लाइंट्स कमिट करते हैं बहुत बार, कि उन्होंने सुबह से मुझे 4 बार वेट भेज देना होता है कि पानी पिया थोड़ा सा वेट बढ़ गया, मैम मेरा तो वेट बढ़ गया, मैम ये कैसी डाइट है, फैट बिल्कुल एकदम से पानी पीने से भी बढ़ जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा मैम। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आप जितनी बार कुछ खा पी रहे हो आप जाके अपना वेइंग मशीन पे वेट चेक कर रहे हो, उसके बाद वहाँ पे आपको क्योंकि वेट गलत दिखा रहा है आप डीमॉडलाइज हो रहे हो, फिर उसके बाद वो चीज़ की कंप्लेन आप मुझसे कर रहे हो। तो अब इस चीज़ के लिए मैं सारे क्लाइंट्स एज वेल एज जितने भी मेरे फॉलोवर्स और व्यूअर्स हैं उन सब के लिए बताना चाहती हूँ कि आपको सही वेट कैसे देखना है। आप अपना करेक्ट वेट देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप 8 घंटे सो, फिर उठो सुबह मॉर्निंग में, फ्रेश होके आओ, फ्रेश होके आओगे उसके बाद आप लाइटेस्ट कपड़े जो हैं आपके, कि लाइक आपने हल्की सी बिल्कुल बहुत लाइट वेट टी शर्ट पहनी हुई है या शॉर्ट्स पहने हुए हैं, तो ये परफेक्ट आपके कपड़े हैं, फिर जाके आप अपना वेट देखोगे। वेट देखने से पहले बहुत लोग गलती करते हैं कि सुबह सुबह उठे हैं और फिर क्योंकि मेरी डाइटिशियन ने कहा है या फिर मुझे खुद लगता है कि मुझे जाके मॉर्निंग ड्रिंक ले लेना चाहिए उसके बाद वेट चेक कर लेंगे, तो ये गलत तरीका है क्योंकि उससे आपको अपनी बॉडी का फॉल्स वेट दिखता है, एक्चुअल वेट नहीं दिखता है। सो व्हाट यू विल बी डूइंग कि सबसे बिल्कुल एक रोड मैप में बता दे रही हूँ कि आप 8 लाइक कि अगर आप 10 बजे सो गए हो सुबह 6 बजे उठे हो तो आपको 8 घंटे की कंटिन्यूस नींद मिली, आप तुरंत उठो जाके फ्रेश होके आओ, फ्रेश होने के तुरंत बाद लाइटेस्ट कपड़ों में जाके अपना वेट देखो, उसके पहले आपको कोई भी पानी नहीं पीना है, कोई भी कुछ भी खाना नहीं है, और लाइक बहुत लोग कहते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी पीते नहीं हैं जब तक, या तो फिर जब तक टी कॉफ़ी ना हो या ल्यूकोम वाटर नहीं लिया है तब तक हम फ्रेश होने नहीं जा पाते हैं, तो ये लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या करना है आपको, तब भी यही करना है कि आप रात को जो है सो उठो, लाइटेस्ट अपने लाइटेस्ट कपड़े पहनो, उसमें आप अपना वेट देख लो, उसके बाद आप जाके अपना टी कॉफ़ी वगैरह जो भी लेना है लो। तो ये तो हो गई उन लोग की बात जो फ्रेश नहीं हो पाते उनका वेट देखने की बात। देन उसके बाद कि बहुत बार होता है कि आप रात में 10 बजे सो गए हो फिर रात को आपको प्यास लगती है, या कुछ लोग लेट तक जगते हैं, उस सुबह 6 बजे उठ गए फिर कहते हैं कि मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, एक्चुअल वेट नहीं पता लग रहा है। तो अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लोगे आई कान प्रोमिस यू कि आपको वेट लॉस मिलेगा, या कोई भी डाइटिशियन आपको यही कहेगी अगर आपको वेट लॉस जर्नी पे हो तो आपके लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि द थिंग इज कि जब आप सो रहे होते तभी आपका एक्चुअल वेट लॉस हो रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको 8 घंटे की नींद बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप नींद ले रहे होते हो तो आप नींद लो, उसमें आपको अगर प्यास लग रही है, अब मैं कह रही हूँ कि 8 घंटे तक आपको कोई पानी नहीं पीना, कुछ खाना नहीं है, एंड रात को कभी कभी होता है कि प्यास लग जाती है, अगर आपको प्यास लग रही है तो कोशिश करो कि आधा ग्लास पानी सिप सिप करके पियो आप, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम ना करना पड़े और आपका जो नेक्स्ट डे वेट है वो फॉल्स वेट ना दिखाए वाटर की वजह से, बिकॉज जब फ्रेश होने जाते हो तो वो वाटर भी एक्सक्रीट हो जाएगा। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टू योर वेट लॉस जर्नी या फिर एक्चुअल वेट जो कि आपने इस
वीडियो में देखा है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं और मेरी लेटेस्ट मोटिवेशन आज मोटिवेशनल पोस्ट को देखने के लिए या फिर हमारे जो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनको देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप उसको लाइक करो, बेल बटन को क्लिक करो जिससे कि हमारी और भी वीडियोस जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।